नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। बिपिन रावत हेलीकॉप्टर हादसे की जांच रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। दरअसल जांच टीम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें ऐसा खुलासा हुआ है कि हर कोई दंग रह गया। इस रिपोर्ट्स में हादसे की एक एक कड़ी के बारे में तफ्तीश से जानकारी दी गई है। आखिर कैसे हुआ ये हादसा, इस रिपोर्ट में देखिए। बिपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में आखिर जिस रिपोर्ट का इंतजार था, वो जांच रिपोर्ट अब सामने आ गई है, जिसमें कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच टीम ने ये रिपोर्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी सौंप दी है। दरअसल पिछले साल 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में CDS विपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें CDS विपिन रावत, उनकी पत्नी और 12 अन्य शूरवीरों का निधन हो गया था। इस हादसे के बाद पूरा देश इस बात को लेकर हैरान परेशान था कि आखिर VVIP हेलीकॉप्टर MI-17 कैसे और किस वजह से क्रैश हुआ। हादसे पर तमाम सवाल उठ रहे थे। हादसे के लगभग एक महीने बाद इस मामले की जांच के लिए बनाई गई ट्राई सर्विस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंप दी है, जिसमें हादसे के पीछे देश को हिला देने वाली संभावित वजह बताई गई है। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में बनी कमेटी भी उसी निष्कर्ष पर पहुंची है, जिसकी आशंका हादसे वाले दिन से ही जाहिर की जा रही थी। जी हां, रिपोर्ट के मुताबिक घने जंगलों वाले पहाड़ी इलाके में उस दिन विजिबिलिटी काफी कम थी, कुहासा था और मौसम खराब ही हेलीकॉप्टर क्रैश होने की बड़ी वजह के रूप में सामने आया। कमेटी की रिपोर्ट में खराब मौसम को ही इस हादसे की बड़ी वजह बताया गया है। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अगुवाई में तैयार हुई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कुहासे भरे मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर के पायलट्स भ्रमित हो गए। तकनीकी भाषा में कहा जाए तो ऐसी स्थिति को CIFT कहा जाता है। CIFT यानी कंट्रोल फ्लाइट इनटू टेरेन। ये ना तो कोई मानवीय भूल कहलाती है और ना ही तकनीक। दरअसल इसमें पायलट मौके की समझ खो देते हैं और हेलीकॉप्टर के पूरे कंट्रोल में होने के बावजूद अनजाने में जमीन, पहाड़, पेड़, पानी या किसी अन्य से टकरा जाते हैं। CIFT क्रैश आमतौर पर खराब मौसम में या फ्लाइट के लैंडिंग फेज में होता है, जब पायलट अपने हेलीकॉप्टर को रिकवर नहीं कर पाता। इस इंक्वायरी में किसी तरह की संस्थागत खामी या तकनीकी गड़बड़ी को रूल आउट कर दिया गया है। खराब मौसम के दौरान बादलों में विजिबिलिटी कम होने की वजह से हेलीकॉप्टर को कम ऊंचाई पर उड़ान भरनी पड़ी। लैंडिंग पॉइंट से दूरी कम होने की वजह से भी हेलीकॉप्टर काफी नीचे था। नीचे घने जंगल थे, इसलिए क्रैश लैंडिंग भी फेल हो गई। इस हेलीकॉप्टर के पायलट ग्रुप कैप्टन रैंक के अधिकारी थे। ऐसे में मानवीय भूल की आशंका ना के बराबर है। फिलहाल इस रिपोर्ट की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तमिलनाडु के कुन्नूर में बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसकी जांच रिपोर्ट टीम ने एक महीने बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंप दी है। सूत्रों की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह दुर्घटना भारतीय वायुसेना के MI-17V5 हेलीकॉप्टर में किसी तकनीकी त्रुटि के कारण नहीं हुई है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।